आज मैं लाई हूँ आपके लिए पित्तौड़ की सब्जी। इसके लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, ये पिसी हुई प्याज है एक कटोरी, और इसमें अदरक लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर सबको पेस्ट कर लिया है, और एक कटोरी दही। पित्तौड़ की सब्जी के लिए हम सबसे पहले बेसन तैयार करेंगे अपना। एक कटोरी बेसन, 1/4 हल्दी पाउडर, आधी चम्मच नमक, वन चौथाई धनिया पाउडर, 1/4 मिर्च पाउडर, इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल तैयार करेंगे। ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना आपको। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, इसमें लम्स ना पड़े। और थोड़ा पानी डालेंगे तो गाढ़ा है बेटर। बेसन का जो घोल है तैयार हो गया है, इसमें डालेंगे अपना जीरा थोड़ा सा, थोड़ी सी अजवाइन, इसको अच्छे से घोल लेंगे। गैस को ऑन कर दिया हमने, फ्राई पैन रख दिया है, इसमें डाल देते हैं अपना बेसन का घोल। इसको प्रॉपर चलाना है, इसमें लम्स पड़ जाएंगे। गैस को मीडियम रखना है। घोल तैयार हो गया हमारा, इसे निकालेंगे हम प्लेट में, बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह से फैला देंगे, पीस कट करने में आसानी रहे। ये बिल्कुल पनीर जैसी सब्जी बनेगी। बस को 15 मिनट के लिए रख देंगे और करते हैं हम अपनी ग्रेवी तैयार। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें डालते हैं ऑयल। थोड़ा गर्म होने देंगे, गैस को थोड़ी तेल गर्म हो गया हमारा, डालते हैं जीरा, थोड़ी हींग, पिसी हुई प्याज, भून लेंगे अच्छे से। प्याज हमारी भून गई, इसमें डालते हैं टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च, इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से भून गए हमारे, डालते हैं इसमें अपने मसाले। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, इनको अच्छे से मिला लेंगे, भून लेंगे इनको। जब तक हमारा तेल नहीं छोड़ गए, जब तक इसको भूनते रहेंगे हम। मसाले हमारे पक गए अच्छे से, दही है,
इसको अच्छे से मैश कर लेंगे इसमें। तो मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, इसमें डाल रहे हैं पानी एक गिलास। और जब हमारी पानी खदकता है इतना हम अपने बेसन को देख लेते हैं, 15-20 मिनट हो गए इसको रखे। बेसन हमारा अच्छे से जम गया है, इसके करते हैं पीस कट। बिल्कुल पनीर से ही अच्छी सब्जी बनेगी ये, बेसन पौष्टिक भी होता है और खाने में टेस्टी भी होता है। तो आप भी इस तरह की अपनी रेसिपी अपने घर पे बना सकते हैं और हमें ऐड बता सकते हैं कि और हम किस तरह की रेसिपी बनाएं आगे। हमने तो इसकी पीस कट कर दिए हैं, आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट और कितना एकदम मुलायम बना है, बिल्कुल पनीर की तरह। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, पानी पक गया हमारे, इसमें डालते हैं हम अपनी पनीर। सब्जी हमारी पक गई है, इसमें डालते हैं हम गरम मसाला। कड़ी पत्ता, हमारी तो पित्तौड़ की सब्जी हो गई तैयार। आप भी अपने घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें दोस्तों कि हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको। हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम दोस्तों।